और उनके हाथ को हम लोग निश्चित रूप से इतने मजबूत करेंगे कि आने वाले दिन हमारे प्यार अमृतसर के साथ जी के हाथ में आएंगे और हम लोग निश्चित रूप से चैन का श्वास और विकास का लाभ लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम संकल्प प्रखंड की ओर से एक बहुत बड़ा विशाल होता है। आज हमारे इस कला भवन में इस विशाल वृक्ष होता है क्योंकि जग चुके हैं जिसके लिए जिस कार्यकर्ता को आप आह्वान कर रहे हैं सभी कार्यकर्ता अपने आप को सौंप चुके हैं। तो आगे आने वाले चुनाव में हमें क्या करना है इसके लिए निश्चित रूप से तय कर चुके हैं। आपको थोड़ा सा मदद आवश्यकता है, थोड़ा सा रास्ता देने की आवश्यकता है। चूंकि आपको मैं वर्तमान सरकार का क्या खामिया बताऊं, हमें भविष्य क्या करना है जितना कितनी बार उद्घाटन हो जाए बड़ा लिया सर सामने सर सामने देखिएगा आवाजों को सुनने वाले माई का नाम आपको सामने उपस्थित है आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी उनका मैं आज इस मधेपुरा के धरती पर क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अपने प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता हैं, उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। आज एक विशेष दिन भी है। हम आए थे पिछली बार नमन यात्रा के क्रम में, पार्टी गठन के बाद नमन यात्रा पर हम निकले थे और नमन यात्रा में हम लोगों ने तय किया था कि जहाँ जहाँ भी बिहार के महापुरुष जिनका जन्म स्थान है, कर्म स्थान है, वहाँ जाकर उनके प्रति नमन किया जाए, उनके स्मारक पर जाकर सर झुकाया जाए, यह कार्यक्रम हमने किया था। और उस वक्त हम आए थे यहाँ मधेपुरा भी, जो बीपी मंडल साहब का स्मारक है उनके गांव में, वहाँ भी जाकर हम लोगों ने माथा टेका था, नमन किया था। और यहाँ पहुँचने के पहले हम लोग सीतामढ़ी तरफ से होकर आए थे। सीतामढ़ी में एक ऐसे महापुरुष के चरणों में सर झुकाया हमने जिनका जन्म स्थान है सीतामढ़ी के बाजपट्टी में। इतिहास में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं, बहुत सारे लोगों को तो बहुत लोग जानते हैं, इतिहास ने भी उनको ठीक से याद रखा है, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिनको इतिहास ने भी ठीक से याद नहीं रखा है। लेकिन जिनको इतिहास ने ठीक से याद रखा है उनसे बड़ी कुर्बानी कुछ लोगों ने दी है इस देश के खातिर, समाज के खातिर। और वैसे ही लोगों में एक शहीद रामफल मंडल बाजपट्टी में जन्म स्थान उनका है, हम नमन यात्रा में वहाँ भी गए थे और उनके स्मारक के सामने भी हम लोगों ने सर झुकाया था। आज़ादी की लड़ाई में देश को आज़ाद करने के लिए कम उम्र में ही उन्होंने अपनी जान दे दी, और जान भी इस रूप में कि उनके ऊपर मुकदमा चला अंग्रेजी राज में, किसी की हत्या हुई थी, मारा गया था। और जब उनसे कहा गया, जज ने पूछा, तो सीधे उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ हमने ही यह काम किया है। अब स्वीकार करने का मतलब ही था कि फांसी की सजा हो जाएगी। फांसी की सजा हो गई और हंसते हंसते झूल गए। तो वैसे लोग हुए हमारे यहाँ बिहार में, बिहार की धरती पे, सीतामढ़ी की धरती पे। आज उनकी जयंती का दिन है। हम लोग थे सुबह में सुपौल में, उनकी तस्वीर पर हम लोगों ने मल्यार्पण किया, उनको याद किया, नमन किया। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से भी उनके चरणों में सर झुकाते हैं, आप सभी लोगों की ओर से, अपनी ओर से भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।
भाइयों और मित्रों, हम मधेपुरा में सुपौल में जहां सुबह में उनके चरणों में सर झुकाए, वहीं शाम में कार्यक्रम के बाद हम लोग गए थे। यह जो दावा बिहार सरकार में बैठे हुए लोगों का रहता है कि हम अति पिछड़ा भाइयों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, हम दलित महादलित के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, उनका जो दावा रहता है और उस दावे के हिसाब से अति पिछड़ा वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए सरकारी दावा है कि हर जिला में हमने छात्रावास जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से छात्रावास बनाया है, बना भी है। हम गए थे सुपौल में कल शाम में कर्पूरी ठाकुर छात्रावास को देखने के लिए। कई लोगों ने कहा कि जरा स्थिति वहाँ देखिए कि क्या स्थिति है। सरकार दावा करती है कि अति पिछड़ा समाज की भलाई के लिए हम कितना कुछ कर रहे हैं, नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए। हम लोग गए थे, सभी लोग गए थे वहाँ देखने के लिए। छात्रावास करोड़ों रुपया लगाकर खर्च हुआ है, बना है, लेकिन ऐसी जगह बन गया है जहां विद्यार्थी रह ही नहीं सकता। उसमें रहने वालों की क्षमता लगभग 100 के लगभग है, 90-100, लेकिन वहां मुश्किल से 10 से 15 विद्यार्थी मिले। और उन लोगों ने कहा कि कोई इंतजाम नहीं, और कहा क्या, हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा, वास्तव में वहां कोई झोपड़ी में रहकर ठीक से पढ़ाई कर सकता है, जितनी ही सुविधा वहां मिले, लेकिन वहां रहकर पढ़ाई करना संभव नहीं। 3 महीना से जनरेटर में एक तेल नहीं है, बिजली चली जाए तो कैसे रहेगा, जनरेटर में 3 महीना से तेल नहीं है और 10-15 विद्यार्थी वहां मिले। अभी 2017 में उस भवन का उद्घाटन हुआ, छत टपकती है, अब बरसात में कैसे विद्यार्थी वहां रहेगा, समझ लीजिए।